पिछले साल कोरोना काल के बाद से उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रहा है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तराखंड परिवहन निगम की कमर तोड़कर रख दी है। उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में फिर से कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुमाऊं मंडल के अलग अलग डिपो से पहले रोजाना 300 रोडवेज की बसों का संचालन होता था, जो अब घटकर 150 के करीब पहुँच गया है। बात कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी रोडवेज डिपो की करें तो यहाँ से रोजाना पहले 68 बसों का संचालन हुआ करता था, जो घटकर वर्तमान समय में आधा रह गया है। यहाँ तक कि दिल्ली रूट पर रोजाना 14 बसों का संचालन हुआ करता था, अब वर्तमान में 7 से 8 बसों का संचालन ही हो पा रहा है। यहाँ तक कि इन बसों के लिए भी सवारियां नहीं मिल पा रही हैं और मजबूरन चालक बिना यात्री के ही सड़कों पर बसें दौड़ाने को मजबूर हो गए हैं। हल्द्वानी डिपो की आमदनी रोजाना जहाँ पहले करीब 15 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी, अब घटकर करीब 5 लाख हो गई है। हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन के स्टेशन प्रभारी इंदिरा भट्ट ने बताया कि बसों के संचालन का असर दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के अलावा पहाड़ के रूटों पर भी पड़ा है। इन दिनों पर्यटन सीजन होने के चलते भारी संख्या में यात्री उत्तराखंड आते थे, लेकिन कर्फ्यू के चलते यात्री अब नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में बसों का संचालन पहाड़ के रूटों पर भी कम कर दिया गया है। तो हम पूरी संचालन के लिए पूरी लगाई हुई है, बट यात्रियों की संख्या बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल में 2 पैसेंजर 3 पैसेंजर में एक एक बसें भेजनी पड़ रही हैं। तो इस वजह से बसें, अगर पैसेंजर हुए तो बसें लगती हैं, अगर पैसेंजर नहीं हुए तो बसें हम रोक लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल गिरी है, बहुत गिरी है आय। तो इससे जो है बेमतलब, अगर फालतू हम बसें भेजें तो उससे सिर्फ डीजल का बर्बादी होती है और कुछ नहीं। तो पैसेंजर हों, अगर 8-10 पैसेंजर एक हों तो उस बस को निकाल देते हैं, अदरवाइज हम बस रोक लेते हैं। गाड़ियों की कितनी संख्या चल रही है और आय क्या होगा? आय तो बहुत कम हो गई है पहले से। जो आय हमारी 15-16 तक जाती थी, वो अब 4-5-6 तक पहुँच चुकी है। लाख 4-5-6 लाख बसें कंटिन्यू हमारी पूरी आती हैं। 15-20 बसें हम कटेल हो जाती हैं अगर पैसेंजर ना मिले तो।